नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही है और 2019 की तरह ही इस बार भी सामाजिक सम्मेलन करके आम जनता के बीच संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी के पंचायत राज भवन में पिछड़ा वर्ग नाई समाज का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन मंत्री अनिल राजभर भी वहां मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामचंद्र प्रधान को सौंपी गई थी। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए देश के सभी 135 करोड़ लोग उनका परिवार हैं। हमारे लिए राज्य के 25 करोड़ परिवार एक समान है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से भी खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अनिल राजभर जानते हैं इन सम्मेलनों का क्या उद्देश्य है, इन सम्मेलन के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट तौर पर पहले भी कहता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक सामाजिक गुलदस्ता बनाने का काम किया है और इसमें हर प्रकार के फूल आपको देखने को मिलेंगे। अगड़े भी मिलेंगे, पिछड़े भी मिलेंगे, कमजोर भी मिलेंगे, मजबूत भी मिलेंगे, व्यापारी भी मिलेंगे, दलित भी मिलेगा, अति दलित भी मिलेगा, अनुसूचित जनजाति के लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के परचम को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। उसका नज़ारा आपके सामने है। आज नाई समाज का हमारे यहाँ पर सम्मेलन है और कितना उत्साह के साथ आज पूरे देश के कोने कोने से नाई समाज का आदमी यहाँ पर आया हुआ है। आपके सामने सब सारा दृश्य है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इनके हौसले को बढ़ाने का काम किया। मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का और योगी जी की सरकार का कि ऐसे छोटे तबके, ऐसे गरीब वर्ग के लोगों का जिस तरह से वो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं उसका जितना भी अभिनंदन किया जाए वो कम है। आज समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ, और 2017 की पुनरावृत्ति करने के लिए तैयार है। सम्मेलन अन्य पार्टियां भी कर रही, बसपा भी कर रही है और सपा ने भी किए हैं, यात्राएं भी निकल रही हैं, क्या अलग है भारतीय जनता पार्टी इन सम्मेलन के माध्यम से, क्या अलग ये दृष्टिकोण रखी जनता के सामने? नहीं, आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हम लोगों ने इसी तरीके से विभिन्न वर्ग, विभिन्न समाज के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो अपने अपने समाज का काम करते हैं, ऐसे लोगों को बुलाकर संवाद हम लोगों ने किया था। वो उसी तर्ज पर इस बार भी हम लोगों ने ये सम्मेलन बुलाया है और बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लोग भागीदारी कर रहे हैं वो देखकर स्पष्ट तौर पर ये फैसला कर सकते हैं आप, और हम लोग तो इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो ताकत ये आज भारतीय जनता पार्टी के अभियान को दे रहे हैं, यही असली ताकत भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारा पिछड़ा है, जो हमारा अति पिछड़ा है, जो हमारा दलित है, जो हमारा अति दलित है, जो आज मोदी जी पर भरोसा करते हुए योगी जी की सरकार ने जो काम किया है उसका स्वागत करते हुए जो पहल आज कर रहा है उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रभारी प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही हैं। कल परसों उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणा की है कि 40% सीटें महिलाओं को देंगी, क्या मानते हैं कहां तक विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आज की बात हमारी याद रखिएगा, इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इतिहास बनने जा रही है और उनका नाम लेने वाला भी उसके अंदर कोई नहीं बचेगा। आप देखते रहिए, ये समाज को ठगने वाले लोग, देश को बेचने वाले लोग, देश का शोषण करने वाले लोग, समाज इनके अब माया जाल में फंसने वाला नहीं है। इतना लंबा इस देश और प्रदेश में इन लोगों ने राज किया और कहां से कहां नाई समाज को पहुंचा दिया, कहां से कहां राजभर समाज को पहुंचा दिया, कहां से कहां पिछड़ों को पहुंचा दिया, कहां से कहां दलितों को पहुंचा दिया। ये ऐसे लोग हमारा भला करेंगे? ये कभी नहीं कर सकते। इसको समाज बहुत अच्छी तरीके से जानता। लगातार बोलते हैं कि हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे, किस आधार पर बोलते हैं, क्या मानते हैं? अब ये तो वो बताएं भैया, उनका क्या आधार है? ये छटपटाहट है।
अस्तित्व बचाने की छटपटाहट, राजनैतिक अस्तित्व बचाने की छटपटाहट। आप देखिएगा 2017 की पुनरावृत्ति करेंगे और 2017 से भी मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की कल मुलाकात हुई थी, भागीदारी संकल्प मोर्चा का कहा गया है कि वो उनको सहयोग करें, क्या मानते हैं कहां तक मुलाकात जो है आने वाले भविष्य में गठबंधन बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देती नजर आई? कोई गंभीरता से नहीं लेता, और इस तरह के गठबंधन और इस तरह के नेता जो अपने समाज की सिर्फ सौदेदारी करते हैं, ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। ऐसे लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और प्रदेश के अंदर कोई गंभीरता से नहीं लेता। मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनका मनोरंजन करने के लिए रह गए हैं, मनोरंजन का साधन बन के रह गए। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री अनिल राजभर जी। उनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर या अखिलेश यादव की जो मुलाकात होती है केवल मीडिया के मनोरंजन के लिए बनी है, वही सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको विकास के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती रहती है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहती है, वो इन्हीं मुद्दों पे आगामी विधानसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनाती नजर आएगी। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में गोरखपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जुलूस के शक्ल में कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज किया। जिले के सिविल लाइन्स हरिओम नगर चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कचहरी चौराहे पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर थी और बांग्लादेश सरकार विरोधी तख्तियां उन्होंने लेकर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी विरोधी नारे भी लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है, पिछले कई दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्याएं की जा रही हैं और इस ये हत्या का सिलसिला तालिबान सरकार आने के बाद से बढ़ गया है। उनको चिन्हित करके मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिसमें अभी इस्कान मंदिर को तोड़ा गया है। इससे पहले गौर प्रमुख मंदिर वहां के तोड़े गए हैं। हिंदुओं को चिन्हित करके उन पर हमला करना, उनके मठ मंदिरों को तोड़ना, दुर्गा पूजा के पंडालों तक को बैठने नहीं दिया गया, उसको तोड़ा गया। और शेख हसीना सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, इसलिए हमने शेख हसीना सरकार का पुतला फूंका है। और साथ ही आज ज्ञापन दे रहे श्रीमान राष्ट्रपति महोदय को कि वो शेख हसीना सरकार पर दबाव बनाए ताकि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा। आजमगढ़ के बीजेपी नेता एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मामला बीजेपी जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह से जुड़ा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष की एक फोटो वायरल हो रही है और समाजवादी नेता समेत अन्य लोग इसको सोशल मीडिया पर भी लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष अपने दोनों हाथों में पिस्तल लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और फायरिंग की मुद्रा में है। वायरल फोटो के जरिए कानून व्यवस्था और बीजेपी नेताओं की दबंगई पर चर्चा की जा रही है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष पर पहले से ही दर्ज आपराधिक मुकदमों पर भी टिप्पणी की जा रही है। भाजपा के जिला अध्यक्ष धुरु सिंह के ऊपर संगीन धाराओं में 3 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इस मामले में जिले के प्रशासनिक अधिकारी बयान देने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अबे हमारे समझ कोई छवि नहीं खराब कर रहा है। व्यक्तिगत किसी की सोच अपनी होगी तो उस पर हमको कुछ नहीं करना है। उनके मनसा में अगर व्यक्तिगत किसी कुछ होगा, भावना दुर्भावना, तो अपना कुछ कर रहा होगा। बाकी पूरा जनपद जान रहा है कि इस प्रकार से मेरी कोई छवि नहीं है, मैं कोई अपराधी व्यक्ति नहीं हूँ। सपा बसपा सरकार में द्वेष बस कुछ हमारे ही गाँव के बड़े नेता थे जो सरकार के बड़े पोस्टों पर थे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के नाते उत्पीड़न मेरा किए, वो सब एकाक दो था जो मुकदमा वगैरह जबरदस्ती वाला सरकार के बसपा सरकार के, वो सब खत्म कर दिया गया। जो है कोर्ट ने निर्दोष सभी मुकदमों में साबित कर दिया, कोई दोष था नहीं। और मेरी सरलता सज्जनता आम जनपद आप लोग भी पत्रकार पुराने समय से जान रहे हैं, कार्यकर्ता भी जान रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं, जग जाहिर है। देखिए बीजेपी के नेताओं के बारे में क्या कुछ कहना है। पहले उनका एक स्लोगन हुआ करता था कि वो चाल चरित्र चेहरे के हिसाब से वो डिफरेंसेस पॉलिटिकल पार्टी से अपना मेंटेन करते थे, लेकिन अब उनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो इस सत्ता के इस दौर में
सामने आ चुका है। अब रह गई सवाल इस बात की कि दशहरे के शस्त्र पूजन पर जिस तरीके का उनका फोटो या तस्वीर वायरल हो रही है वो उनके पुराने आपराधिक इतिहास को ज्यादा मोहर लगा रहा है। बनस्पत की दशहरे की जो बात वो कह रहे हैं शस्त्र पूजन पे, वो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से भी प्रासंगिक है, क्योंकि हाथों में इस तरह से पिस्तौल लेकर सामने दागने के तौर पर खड़े होना, ये भाजपा जिला अध्यक्ष का ये चेहरा पहले भी रहा है। उनके ऊपर गुंडा एक्ट में मुकदमा कायम हुआ है, दो दो तीन तीन मुकदमों में वे वांछित रहे हैं, और यहां तक कि उनके थाने की पुलिस ने उनको जो है बाकायदे एक रिपोर्ट तलब की थी। और मैं तो पूछना चाहता हूं आजमगढ़ के कलेक्टर से कि उनको 10 जून को उन्होंने लाइसेंस निर्गत किया है, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति के को अगर लाइसेंस दे दिया जाएगा तो इसी तरह से शस्त्र पूजन होगा और दशहरे की जो प्रासंगिकता है वो इसी प्रकार से धूमिल होती रहेगी। खैर, मेरा इस पे कहना ये है कि भाजपा का राज है, भाजपा के राज में दमन है और कुशासन है, तो ये उसकी एक वानगी है, उसकी एक तस्वीर है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष किस तरीके के हैं, इसको बेहतर सब तरीके से समझा जा सकता है आज की तारीख। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान और भारत के बीच मैच का अयोध्या के प्रमुख संतों ने विरोध किया है। संतों का कहना है कि एक तरफ जहां भारत का चिर प्रतिद्वंदी दुश्मन पाकिस्तान हमारे सैनिकों को रोज शहीद करता है तो रोज भारत के खिलाफ साजिश भी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के साथ 24 तारीख को मैच होना है, इसको लेकर भारत में कई तरीके की चर्चाएं जारी हैं। हमने कहा पाकिस्तान से संबंध रखना ही अच्छा नहीं, ये संबंध रखने लायक लोग नहीं होते, उनके विचार बड़े दूषित हैं, दूषित विचार वाले, गलत होगा अगर उनके साथ मैच खेला जाए या कुछ किया जाए, कोई समझ में ही नहीं आता है, इतना दूषित विचार वाला है, गलत होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे भारत के लाल सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, हुतात्मा है वो, और ऐसे में मैच हो रहा पाकिस्तान के साथ निश्चित रूप से बहुत ही खराब है और इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। पूरे भारत को इस बात का विरोध करना चाहिए कि जो लोग हमारे भारतीय सेनाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनकी शहादत हो रही है, उनका रोज एक पेपर या दो उनकी मृत्यु हो रही है, ऐसे लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हमारा सीमा विवाद समाप्त हो, हमारे हृदय जब मिले तब जाकर के खेल भावना से वो खेल संभव हो सकता है, नहीं तो ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। इसका पुरजोर विरोध पूरे देश में होना चाहिए, पूरे राष्ट्र में होना चाहिए और समाज की तरफ से मांग करता हूँ। वही मथुरा में नेहरू युवा केंद्र की ओर से संचालित स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान शुरू किया गया। रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बस स्टैंड से 30 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक और रेलवे जंक्शन से 50 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्रित कर बस स्टैंड अधीक्षक और स्टेशन मैनेजर को निस्तारण के लिए सौंपा गया। कार्यक्रम में केंद्र में स्वयं सेवकों ने उल्लेखनीय भूमिका अदा कर कार्यक्रम को सफल बनाया। वही सिद्धार्थनगर में मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से मान्यता प्राप्त राज्य और अनुदानित मदरसों के शिक्षकों ने एक ज्ञापन दिया। उपजिलाधिकारी उत्कर्ष श्रीवास्तव को शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि 55 महीने से वेतन से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जाए और शिक्षक संघ परिवार की मदद की जाए जो इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आज हम मदरसा आधुनिक शिक्षक 55 माह के बकाया भुगतान को लेकर के आज हम लोग जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन के लिए के बाद ही हैं। इससे पहले हम लोग तमाम अधिकारियों के माध्यम से पत्र को भेजा गया, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, अल्पसंख्यक मंत्री को भी भेजा गया, लेकिन लगातार कोई सुनवाई नहीं की गई। अंत में इस वर्ष के 7 महीने के बाद हम लोगों को बाध्य होना पड़ा अपनी बात को धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखने के लिए। अब आज 55 माह हो गए हैं, अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग कैसे अपने बाल बच्चों को जिला रहे होंगे। निश्चित तौर पर बड़ी आर्थिक तंगी है, हमारे शिक्षक 75 शिक्षक लॉकडाउन को लेकर आज तक वो आत्महत्या कर चुके हैं, चाहे वो हार्ट अटैक से मरे हों और चाहे वो किन्हीं कारणों से आत्महत्या उनकी हुई है। पैसा ना होने की वजह से तमाम दुश्वारियाँ आई हैं, अच्छे खासे परिवार को लॉकडाउन में दुश्वारियाँ झेलना पड़ा और जहाँ हमारा 55 माह का भुगतान रुका हो तो हमारी स्थिति क्या होगी, ये कल्पनीय है।
ये हमें सोचना चाहिए हम सबको, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए हमारे शिक्षक आज अपनी बातों को, अपनी मांगों को, अपने मुद्दों के समर्थन में आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन। आगरा के सैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 42,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया है। वहीं बिजनौर में नहटौर मार्ग पर बेकाबू ट्रक ने मजदूरी करने घर से निकले दो मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें दोनों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। आपको बता दें कि झालूव नहटौर पर सड़क जाम होने से बिजनौर प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसपी देहात राम अर्ज और क्षेत्राधिकारी धामपुर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें कि काफी मुश्किल के बाद जाम को खोला जा सका। औरैया के अरवा कटरा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने किसान को टक्कर मार दी। इस टक्कर से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कार्यवाही का भरोसा देकर जाम खुलवाया। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आगे की कार्यवाही जारी है। वहीं फरीदाबाद के मोहब्बताबाद में गोली मारकर तीन लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एनआईटी विधानसभा के दौज थाना क्षेत्र के घोड़ड़ा मोहब्बताबाद में किराए पर रह रहे एक व्यक्ति और दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि इस गोलीबारी में एक बच्चे को भी चोट आई है, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस को शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की बात निकलकर सामने आई है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम ने पहुंचकर तमाम सबूत भी इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने फिलहाल तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही कर रही है। मामले की तो अभी तफ्तीश जारी है। तीन आदमियों के मर्डर हुए हैं, जिनमें दो लेडीज है एक जेंट्स है, और तीनों ही किराए पर रहते थे। पीछे एक रहने वाला पानीपत का है, एक एनआईटी का है, दो आदमी लेडीज दोनों एनआईटी। वही हमीरपुर में एक सड़क हादसा देखने को मिला। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो सगे भाइयों में बड़े भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई जो है वो बाल बाल बच गया। इस हादसे की खबर पाते ही युवक के परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही ट्रक को हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय लोगों ने फिलहाल ट्रक चालक को पकड़ लिया, जिसे पुलिस के को सौंप दिया गया है। वहीं युवक की मौत के बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये अपाचे बाइक पे दो लड़के मौदा क्षेत्र से आ रहे थे, जो एक ट्रक निकल रहा था उसमें से टक्कर लग जाने के कारण मौके पे एक लड़के की मौत हो गई। एक वही मिर्जापुर के थाना अरोरा में वाहन स्वामी की हत्या का खुलासा पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने प्रेसवार्ता में किया। बता दें कि वाहन स्वामी की हत्या कर लाखों का पेंट लूटने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर मृतक अमरदीप का कंकाल, आला कत्ल हथौड़ी और लूट का माल भी बरामद कर लिया गया है। लूट के साथ ही हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 15,000 का इनाम घोषित किया है। ये घटना पिछले महीने की है, थाना अरोरा की। थाना अरोरा में पिछले महीने की 16 तारीख को पवन कुमार सिंह ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने एक सूचना दी थी कि उनके ट्रांसपोर्ट से पेंट व वाल पुट्टी लेकर के एक पिकअप रवाना हुई थी, जिसके चालक थे अमरदीप केशरी। वो और पिकअप से लदी हुई पिकअप में लदा हुआ सामान मौके पर नहीं पहुँचा। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर भी थाना को दी थी, जिसपे वहाँ पर उचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था।
लेकिन बाद में पिकअप जो है लावारिस हालत में वहीं हमारे अरोरा क्षेत्र में बरामद की गई थी। केवल पिकअप ही बरामद हुई थी, उसमें ना तो ड्राइवर था, ड्राइवर गायब था और माल भी गायब था। इस घटना का अनावरण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, बहुत चुनौतीपूर्ण भी था। इसके लिए हमारे द्वारा थाना स्थानीय की टीम, स्वाट की टीम और सविलास की टीम को लगाया गया और सब ने अब काफ़ी मेहनत करके इस घटना का खुलासा किया और इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ जहां माल बेचा गया था उसको गिरफ्तार किया और घटना से संबंधित जितने भी माल थे। वही बिजनौर के नगीना में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया, जिसमें अज्ञात चोरों ने घर से सारे सामान को साफ कर दिया। घर से लाखों का सामान लेकर शातिर फरार हुए थे। अब शातिर चोरों को पकड़ते हुए पुलिस ने कारतूस और तमंचे को बरामद किया है। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए चारों चोर पेशेवर मुजरिम बताए जा रहे हैं, जो निर्माणाधीन निशान बनाकर सामान चुरा कर भेजते थे और उससे मोटा मुनाफा कमाया करते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी सामान को बरामद करते हुए 3 अपराधियों को जेल भेज दिया है। कृष्ण बलदेव राज का मकान जो नगीना कस्बे के लाल सराय मोहल्ले में बन रहा था, निर्माणाधीन है, बड़ा मकान है। उन्होंने मकान से संबंधित पीतल का, लोहे का अनेक सामग्री रख रखा था। बाई चांस उस दिन उनके लेबर त्यौहार की वजह से नहीं थे, उनका सारा सामान चोरी हो गया। उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, 457-380 का अभियोग पंजीकृत हुआ। स्वाट SOG ने और स्थानीय पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया। चोरी हुआ समस्त माल को बरामद कर लिया गया है। इसमें से 3 चोर हैं, 2 चोर चाँदपुर के, 1 अमरोहा का रहने वाला है। इनके क्रमशः नाम है नदीम, नाजिम और नफीस। इनके कब्जे से 2 तमंचे, चाकू, पूरा माल और गाड़ी जिससे वो चोरी करके ले गए थे वो गाड़ी बरामद हुआ है और चरस भी बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।